लुधियाना के गर्ल लड़कियों कॉलेज यूथ फेस्टिवल जोनल चल रहे हैं, तो अभिषेक जो एक पोइम पढ़ेगा वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। तो चलिए सुनते हैं, वो जो यूथ है, जो नौजवान है हमारे हिंदुस्तान का, जो शब्द, जो लाइनें लिखी थी कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो हमें पढ़कर सुना रहा है, वो हमें सुना रहा है, वो हमें क्या बता रहा है। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तो हम ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहते हैं। तो सुनिए अभिषेक क्या कहता है। आप सभी के समक्ष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है आज सिंधु में। आज सिंधु में ज्वार उठा है, रघुपति फिर ललकार। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांच जन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा। किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने ऊर का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विश्व का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई तब भारत से साम गाम का स्वर्गीय स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा अदल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का तब से अनुपम अभिनय होता। पूरब में उगता है सूरज पश्चिम के तम में लय होता। पूरब में उगता है सूरज पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नैनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शौनित से रंजित वसुधा की छाती टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित। बलिदानी पुरखों की थाती कण कण पर शौनित बिखरा है। पग पग पर माथे की रोली इधर मनी सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। इधर मनी सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हवा खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता पापों का झोंका आता है। तड़से अपना सर टकराकर जेलम की लहरें पुकारती यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है गुहारती। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दुआब बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। कड़े पहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर माँ का मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार सजाया। आंख खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव शुदा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ले जाते लाज ना आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिला कर पाला क्षण भर उसका वेश निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन जीवित है वैणी कैसे बंध पाएगी। कोटि कोटि संतति जीवित है माँ की लाज न लुट पाएगी। कोटि कोटि संतति जीवित है माँ की लाज न लुट पाएगी। धन्यवाद। एसी अभिषेक सड़ा लास्ट पार्टिसिपेंट टीम कोड 22 ते जिन्ना वक्त
जज साहबान जजमेंट के कठिन कारज नूं नेपरे चाड़न लई लै रहे ने। उस वक्त दरम्यान जे तुहाडे विचों कोई भी बच्चा अपनी कोई कविता प्रस्तुत करना चाहता है तो जी आयां नूं